दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 30 अगस्त को हरतालिका तीज है। भादो शुक्ल पक्ष की इस तीज को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। हरतालिका तीज पर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके व्यापार में वृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही में कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं ताकि उन्हें भी भगवान शिव जैसा वर प्रदान हो। यदि आप भी अपने मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं और अपनी कामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो इसलिए आप 30 अगस्त को हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव की पूजा के समय शिवरात्रि में जो पूजा होती है उसमें एक चीज़ आप जरूर अर्पित करें, जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इस दिन फुलेरा बांधकर भगवान के शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और रात्रि भर पूजन किया जाता है। आपको क्या करना है, भगवान शिव की प्रिय चीज़ एक काली मिर्च, जी हाँ, एक काली मिर्च ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करवा सकती है। एक काली मिर्च, 108 बेलपत्र और भगवान की प्रिय चीज़ें अक्षत, चावल, रोली मोली आदि चीज़ें अर्पित करें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, भगवान शिव पर अपनी हथेली पर जो एक काली मिर्च वह रखें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी कामना को बोलते हुए, विशेष कामना को बोलते हुए शिव जी पर अर्पित कर दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी कामना को कहें। मन ही मन विश्वासपूर्ण बाबा भोलेनाथ से अपनी कामना कहें, आपकी कामना इस दिन अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो यदि पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में।